प्रणाम, आपके अपने YouTube चैनल पूर्णिया मिरर पर सभी का स्वागत है। मिनी दार्जिलिंग के नाम मशहूर पूर्णिया दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। शहर में ट्रैफिक लाइट लगने की वजह से जाम से मुक्ति मिलने के बाद अब पूर्णिया पॉल्यूशन फ्री भी होगा। इसको लेकर एक नई पहल की जा रही है। पूर्णिया में नए साल से इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय परिवहन प्रबंधक शंकरानंद झा ने बताया कि अभी पूर्णिया में पुराना बस स्टैंड डिपो का एरिया लगभग 3.7 एकड़ में फैला हुआ है। इसके लिए पीएम इलेक्ट्रिक बस योजना के तहत 50 बस पूर्णिया प्रमंडल को आवंटित की गई है। इससे पूर्णिया में पॉल्यूशन को कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी, साथ ही लोगों को यातायात में और अधिक ऑप्शन मिलेंगे और पेट्रोल डीजल से भी मुक्ति मिलेगी। क्षेत्रीय परिवहन प्रबंधक ने बताया कि हालांकि बस अभी पूर्णिया आई नहीं है, बस को लाने से पहले उनके लिए पूरी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी चल रही है। भवन निर्माण के लिए डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तैयार किया जाएगा। संबंधित सभी सुविधाओं को लेकर तैयारियां चल रही है। उसके बाद नए साल में इस बस की शुरुआत की जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी कई रूटों पर डीजल बसें चल रही है, लेकिन उनका प्रयास रहेगा उस रूट पर भी इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाए। साथ साथ इसके अलावा भी कई ऐसे रूट हैं जहां पर इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाना आसान होगा, जिससे बस में सफ़र करने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक शंकरानंद झा कहते हैं कि इन बसों के लिए पूर्णिया सरकारी बस स्टैंड के परिसर में कुल 16 चार्जिंग पॉइंट बनाया जाएगा, जिसमें रात में सभी इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज कर दिन में उसकी सुनिश्चित यात्रा कराई जाएगी। यहां पहले फेज में 50 बसें चलेंगी, इसके बाद डिपो तैयार हो जाएगी और भविष्य में भी और बसें बढ़ाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए इसमें कोई भी अलग तरह की छूट नहीं है। पटना में जो इलेक्ट्रिक बसें चलती है और महिलाओं के लिए जो सीट आरक्षित है, उसी तर्ज पर पूर्णिया में भी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का लाभ मिलेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि किराया को लेकर किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई है। बता दें कि इसके अलावा पूर्णिया में तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर और भीड़ की वजह से क्राइम भी बढ़ रहा है, जिस पर लगाम लगाने के लिए एक और कवायद की जा रही है। पूर्णिया बहुत जल्द पूरी तरह तीसरी आंख की निगरानी में होगा। अपराधी चाहे जितना भी साथी हो, वह पुलिस की नज़रों से बच सकता है, लेकिन अब तीसरी आंख की नज़रें भी उस पर रहेगी और वह बच नहीं पाएगा। शहरवासियों की सुरक्षा और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नए साल में भीड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर हाई क्वालिटी की करीब 125 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इनमें अपराधियों के चेहरों के साथ साथ वाहनों के नंबर तक साफ नजर आएंगे। इसके जरिए शहर की सफाई व्यवस्था की भी मॉनिटरिंग की जाएगी। नगर निगम और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से कवायद शुरू कर दिया है। कैमरे लगाने के लिए सर्वे कर हर जगह चिन्हित कर लिए गए हैं। इनमें शहर में प्रवेश करने वाले स्थानों, मुख्य मार्गों, चौराहों, बाजारों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, संवेदनशील इलाके शामिल हैं। दरअसल नगर निगम ने सुरक्षा और सफाई की व्यवस्था की निगरानी के लिए पूर्णिया में नई पहल शुरू करने की योजना बनाई है। इस योजना के अनुसार शहर में सुरक्षा से लेकर साफ सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग अब CCTV कैमरे में की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए पूर्णिया मिरर। जय हिंद, जय भारत।